हे गाइस, वंस अगेन माय न्यू ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस अपनी बाइक को मैं आज सर्विसिंग करवाने जा रहा हूँ तिलकराज, एंड जो कि अपना भवरताल गार्डन के पास में ही है। एंड भाई, इसमें बहुत सारा काम आ चुका है, क्योंकि इसमें ब्रेक का और थोड़ा सा क्लिच लेच का और एक्सीलेटर का थोड़ा सा कुछ काम आ चुका है इसमें। तो मैं सोचा क्यों ना यार जल्दी जल्दी जाया जाए और जल्दी से फुर्सत हो जाए, क्योंकि अब बहुत लंबा काम में आता है और साथ में यार क्योंकि भीड़ है ज़्यादा जाती है एजेंसी में, तो इसलिए मैं सोचा कि जल्दी हो जाए। और अभी बज रहे हैं 9:30 हो चुके हैं अभी। तो भाई अभी सोचा कि जल्दी जल्दी जाया जाए और जल्दी सर्विसिंग हो जाएगी और गाड़ी अपने हाथ में जल्दी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सीधे तिलकराज में। तो भाई साहब अपनी हो गई है कंप्लीट गाड़ी, एंड यहाँ से निकल रहे हैं अपन तिलकराज के पास से होते हुए। एंड अभी जाएंगे अपन रसल चौक बोल रहा हूँ मैं, रब्बी चौकी। एंड रब्बी चौकी यहाँ से समथिंग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। एंड वहाँ पर बिल्डिंग की बहुत सारी शॉपें हैं। एंड वहाँ पर मुझे बनवाना है सैडल स्टे, एंड सैडल स्टे मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यार मेरे पास जो बैग है, तो बैग एक्चुअली क्या होता है, अभी जब मैं पचमढ़ी गया था और जब मैं आगरा का जो टूर मैंने मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट मैं वहाँ का आगरा टूर पर करने गया था, तो जो मेरे पास जो बैग है रानास के बैग हैं, तो वो थोड़े से जुड़ रहे थे नीचे, और एक साइड ऐसा था कि बाइक के जो टायर्स होते हैं टायर्स में टकराने ही वाला था, वो तो अच्छा ही मैंने देख लिया था, नहीं तो भाई साहब अपने टायर में टकरा जाती। तो इसलिए मैं सोचा कि ना अपन एक रानास के बैग के लिए एक सर्विस से बनाया जाए। ये चीज़ मैं ऑनलाइन भी परचेस कर सकता हूँ, बट ऑनलाइन परचेस करने में मुझे उसमें भी एक जुगाड़ करना ही पड़ेगा। असली क्या होता है, जो मेरे पास जो बाइक है एग्जॉड, तो प्रॉपर इस बाइक के लिए ही नहीं आता है, वो रॉयल एनफील्ड के लिए ज़्यादा आता है, बट मुझे उसमें भी जुगाड़ पानी करना ही पड़ेगा। क्यों ना इससे अच्छा बिल्डिंग वालों के पास जाए, उनके पास दाई आई सब होती है, वो अच्छे से पूरा क्लियर और अच्छे से फिनिशिंग भी देंगे, इसलिए मैं सोचा क्यों ना उनके पास जाया जाए। तो भाई सीधा मिलते हैं आपके पास, आपसे मिलते हैं सीधा रब्बी चौकी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी खड़े हुए हैं दमोनाका में, एंड दमोनाका में एक छोटी सी शॉप है जिसका नाम है जबलपुर वेल्डिंग शॉप। एंड यहाँ पास मैं सैडल स्टे बनवाने आया हुआ हूँ और कम रेंज में है, तो बन ही रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये बना रहे हैं, कौन सी डाई का यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ। यदि आपको भी सैडल स्टे और यदि आप लॉन्ग टूर पे जाते हो, लगेज लेके जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सैडल स्टे ज़रूर लगवाएं, चाहे कोई सी बाइक में हो। तो मेरे पास यामा FZ है, तो पुराना मॉडल है, 2009 का मॉडल है, वो अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसमें बनवाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, और आप भी देखिए।
तो फ्रेंड्स ये है शॉप जबलपुर बेल्डिंग वर्कर्स एंड ठीक देख सकते हैं ये दिन दमोनाका है, दमोनाका आकांक्षा मेडिकल के सामने जस्ट, और सीधा यहाँ से अपना जो हॉस्पिटल है मेट्रो हॉस्पिटल सीधा जाते हैं, ठीक सामने ही अपनी शॉप है। एंड बनवाए हैं अपन ने ये फ्रेम और इसमें जो हम लोग का जो रेनॉक्स का जो बैग है इसमें आगे शेड जाएगा और ज़्यादा हैवी रहता है तो आसानी से अपन कैरी कर सकते हैं। एंड ठीक इसके पीछे भी यहाँ देख सकते हैं ये वाला बनवाया अपन ने, तो चलते हैं सीधा घर की ओर और इसमें रैनॉक्स का जो बैग है रैनॉक्स का बैग इसमें पुट करके देखेंगे कि कैसा लग रहा है और जो भी दिक्कत है तो वापस आ सकते हैं, इसलिए अपने जुगाड़ वाला काम करवाए। तो सीधा मिलते हैं आप सीधा आपको रैनॉक्स के बैग के साथ। तो फ्रेंड्स ये है रैनॉक्स के बैग एंड ये रैनॉक्स के बैगों को अपन इस गाड़ी पर अटैच करने वाले हैं। एंड रैनॉक्स के बैग के बारे में आप लोगों को ज़्यादा तो बताया नहीं था मैं इससे पहले, मैंने जब परचेस किया था मैंने अमेजोन से परचेस किया था तो ये मुझे समथिंग 3500 से 3700 के बीच में पड़े थे। एंड ये मैंने जो कल सैडल स्टे बनवाया हूँ मैंने ऑनलाइन पे देखा था, बट क्या है इस गाड़ी के लिए प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये जुगाड़ वाला काम किया जाए। तो कल मैं गया, जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है एड्रेस और यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे सैडल स्टे यदि आपको बनवाने हैं, यदि आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और अच्छा खासा जबलपुर में बहुत सी मैंने प्लेस में देखा और बहुत से जो बेल्डिंग वालों के पास गया तो उनके पास वो बनाने का तरीका नहीं था। और एक्चुअली क्या है जो सैडल स्टे जो बनता है पूरा डाई का ही काम होता है, डाई से जो प्रॉपर जो बेंड किया जाता है पाइप को, तो बेंड के जरिए ही इस अच्छा शेप मिलता है।
तो ये जबलपुर वेल्डिंग वर्कशॉप है जो कि दमोह नाका के पास छोटी सी शॉप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और प्राइस भी बहुत कम है। ये समथिंग मेरे को 1500 में आराम से बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही प्यारा। तो चलिए चलते हैं, इसको लगा के देखते हैं कि सेट हो रहा है कि नहीं। ऑलरेडी ये लग के तैयार हो चुका है। एंड आप जो देख सकते हैं यहाँ पर अपने जो ये फ्रेम में जो अपने ये सैडल स्टे लगवाए हुए हैं, ये सैडल स्टे है और ये बैग है, इसमें प्रॉपर यहाँ पर रख जा रहा है। एंड इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर रख जा रहा है, हल्का सा गैप है पर ये बंजी लगाएंगे, बंजी से थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा तो ये अपना बैग रख जाएगा आसानी से। तो गाइस ये बनके तैयार हो चुका है अपना फ्रेम, बस मुझे इसमें एक मतलब पेंटिंग वर्क करनी है, तो पेंटिंग करना काम और बाकी रह चुका है। तो आई होप कि ये मेरा जो वीडियो है और ये जो मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मैं अपनी बाइक के ऊपर एक सैडल स्टे बनवाने का था, तो उसमें मुझे बाइक में जिससे पहले मेरा जो टूर था पचमढ़ी का, तो उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये हो रहा था कि जब मेरा बैग था तो बैग में एक्चुअली क्या हो रहा था, थोड़ा सा जो व्हील होते हैं व्हील में थोड़ा सा अंदर साइड जा रहा था, हालांकि टकराया नहीं था तो भी एक मन में एक डर रहता है कहीं टकरा ना जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं सैडल स्टे बनवाया जाए, अब प्रॉपर ये गाड़ी के लिए नहीं जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके बनवाया। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही ये बेल आइकन ये घंटा प्लीज़ जल्दी से जाके जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, सीधा बाय बाय।